नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको संसार टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बात करने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आधार एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हम कोई भी वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपना लैपटॉप में या पीसी में आना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद यूट्यूब पर क्लिक करके आप इसमें लिखेंगे आधार एग्जाम। आधार एग्जाम लिखने के बाद में सबसे पहले जो साइट आता है uidai.nseitexams.com, तो इस साइट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये साइट जैसे ही ओपन होता है तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट हैव हर हिज लेटेस्ट मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन आधार फॉर OTP वेरिफिकेशन। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अपडेटेड हिज हर लेटेस्ट फोटोग्राफ इन आधार इन लास्ट 3 मंथ फॉर वेरिफिकेशन ऑन एग्जाम डेट। अगर आप आधार में 3 महीने पहले से फोटो अपडेट कर लिए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको 10th पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड खाली नज़र आएगा, इसमें क्रिएट न्यू यूजर लिखा होगा। क्रिएट न्यू यूजर पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको शो कर रहा है अपलोड XML फाइल और शेयर कोड। तो अपलोड XML फाइल हम कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको uidai.gov.in साइट ओपन कर लेना है, जो आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आधार पेपरलेस ऑफलाइन EKYC बेटा लिखा होगा। इस पर आप क्लिक करने के बाद लॉगिन है, लॉगिन आधार आप कर लेंगे। लॉगिन आधार करने के बाद में आप यहां पर अपना आधार नंबर टाइप डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहां पर कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड के आप टाइप करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड जो आधार में लिंक है उस पर OTP जाएगा। OTP यहां पर डालने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके साथ कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड शो करेगा, जैसे कि डाउनलोड आधार, ऑल्डर आधार, अपडेट आधार ऑनलाइन। तो इसमें दिया गया है ऑफलाइन EKYC। ऑफलाइन EKYC पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू एक्सेस सिक्योर एंड शेयर एबल EKYC डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर ऑफलाइन आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें आप कोड डालेंगे 4 अंक का, जो आपको अपना से कुछ भी डाल सकते हैं। 4 अंक, 4 नंबर हम इसमें डाल करने के बाद डाउनलोड क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड क्लिक करने के बाद में ये फोल्डर डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो गया, तो इसी को हमको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड XML फाइल लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी भी जो हमने डाउनलोड किया है उसको इसमें सिलेक्ट करके अपलोडेड पर क्लिक करेंगे। अपलोड XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिख रहा है, और इसमें हम वही शेयर कोड हम डालेंगे जो थोड़ा पहले हम 4 अंक का डाले थे। तो इसमें डालने के बाद एक्सट्रैक्ट पर हम क्लिक कर देंगे, डाटा एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो जाएंगे। उसके बाद इसमें आप अपना मोबाइल नंबर एज पर आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आप इसमें टाइप करेंगे। इसमें मोबाइल नंबर डालने के बाद वैलिडेट पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया, और सेंड मोबाइल OTP पर आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP यहां पर हम टाइप करेंगे।
ओटीपी आपके मोबाइल पर NSETL करके आएगा, जो चार अंक की होगी। चार अंक का ओटीपी यहां पर टाइप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे और डिक्लेरेशन को हम यस पर क्लिक करेंगे और इसमें आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो आपको आधार में आपने रजिस्टर्ड करवाया है, तो वो ईमेल आईडी को हम इसमें डालेंगे। आप अपना भी ईमेल आईडी इसमें डाल लीजिए। उसके बाद 100 XML कंटेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है आधार में वो यहाँ पर शो कर देगा। इस पर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा UID N0 जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है, तो इसको हमको लॉगिन करके चेंज करना पड़ता है। इसको हम चेंज करेंगे। प्रेस क्लिक हेयर टू लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो अभी अभी आपने बनाए हैं वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। साइन इन पर हम क्लिक करेंगे और इनके द्वारा जो पासवर्ड साइट के द्वारा जो दिया गया है उस ओल्ड पासवर्ड पर हम क्लिक करके उसको हम चेंज कर लेंगे। ओल्ड पासवर्ड में हम ये वाला पासवर्ड डालेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। ये पासवर्ड डालने के बाद आप अपना मन से इसमें न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि पासवर्ड में आप डालेंगे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इसके बाद में @ और 123, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ABC1234@, इस प्रकार का आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो हम इसमें पासवर्ड बनाते हैं अपने हिसाब से, आप भी आप अपने हिसाब से बना लीजिए। और इसमें से सीक्रेट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इन व्हिच सिटी वेयर यू बोर्न, आपने किस कौन सिटी में जन्म लिया, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे। योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, पासवर्ड चेंज हो जाता है सक्सेसफुली। चलिए दोस्तों हम इसको फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ से साइन आउट हो जाने के बाद इसको फिर से री लॉगिन करना है। लॉगिन पर दिया गया है, आपको लॉगिन कर लेना है। आपने जो अभी भी पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड के यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में इसमें दिया गया है पेमेंट का ऑप्शन। उससे पहले दोस्तों इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भर लेनी है। पर्सनल डिटेल्स किस प्रकार भर जाता है चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। इसमें हम अभी अभी जो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएटेड किए हैं वो इसमें डालेंगे। साइन इन पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद इसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को हम भर लेते हैं। आई हैव रीड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा। फोटो आने के बाद एजुकेशन डिटेल्स, जो आपने HSC अगर 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 12th पास हैं तो HSC पर क्लिक करके हम भर सकते हैं। ऑपरेटर चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट और ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर, तो इसमें आप ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आप नया आधार बना सकते हैं, आधार में सुधार का काम कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट आप क्लिक करते हैं तो इसमें सिर्फ बच्चों का ही आधार आप बना सकते हैं। तो ECMP ऑपरेटर कॉम सुपरवाइजर लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको किस भाषा से इसमें एग्ज़ाम देना है, जैसे कि आपको अगर बंगाली से देना है, इंग्लिश से देना है, गुजराती से देना है, हिंदी, जो भी भाषा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भाषा आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं हिंदी से एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ तो इसमें हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर इनरोलमेंट एजेंसी कोड में आप इसमें UID AI
जो लास्ट में ऑप्शन दिया गया है उसको आप सेलेक्ट करें। ये UID, इससे आप किसी भी एनरोलमेंट एजेंसी में काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट, मतलब किस राज्य में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो राज्य आप सिलेक्ट करें। उसके बाद वो जिला सिलेक्ट करें, उसके अंतर्गत जो सेंटर आता है वो सेंटर पर आप क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे में भर जाए। आगे में भर जाने के बाद में आपको जो है जो डिटेल्स भरा है वो इस प्रकार से शो करेगा और इसमें हाँ आपको प्रोसेस टू सबमिट फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और इसमें पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक कर देंगे तो इसमें पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। पेमेंट पर आप क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट चलान इसका बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं। इसमें आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड इत्यादि से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको अपने सुविधा के अनुसार डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या भीम UPI जो भी है उसको सिलेक्ट करें। इसमें UPI पिन डालने के बाद में वैलिडेट करें। वैलिडेट जैसे ही हो जाता है आप पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट को करा सकते हैं। आप अपने इंटरनेट UPI के अंदर में जाएं और पेमेंट करें। मेरे मोबाइल से पेमेंट सक्सेसफुली कट चुका है और इसमें आगे का हम ऑप्शन दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड विद ट्रांजैक्शन नंबर इतना, और हम इसमें पेमेंट हिस्ट्री में आकर पेमेंट हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं अप्रूव। दोस्तों आप यहां से अब आगे क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि इसमें पेमेंट की जगह पर बुक सीट आ गया है, तो बुक सीट पर आप क्लिक करके आप अपने हिसाब से किस डेट में आपको एग्ज़ाम देना है वो डेट आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको 7 जुलाई 2022 के डेट में एग्ज़ाम देना है तो इस पर आप सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद में आपको इसमें सीट दिखेगी। जैसे कि इसमें 2 बजे से लेकर एग्ज़ाम होगा स्टार्टिंग 4 बजे तक, 4 बजे से एक है। इसमें अवेलेबल सीट 5 बता रहा है, इसमें 7 बता रहा है। तो इस प्रकार से आप बुक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से आप इसको बुक कर सकते हैं। द बुकिंग इज डन इन रियल टाइम, हेंस यू विल बी गिवन ओनली 6 सेकेंड्स टू कन्फर्म यू। कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे। कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली बुक ए सीट। सीट के लिए दोस्तों ऑलरेडी मैंने बुक कर दिया है। अब यहाँ से व्यू एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने के बाद में आप एग्जाम सेंटर पर जाके इसके साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड प्रूफ के तौर पर आप साथ में ले जाएं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप आधार एग्जाम के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही जल्द आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी इसका किस प्रकार से करेंगे। एक ही बार में बहुत ही आसानी से आप पास कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।